ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों आज है 4 अगस्त और 3 दिन पहले 1 अगस्त को स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल पर उनकी तेनाली आर के इस एनिमेटेड सीरीज के पहले एपिसोड को रिलीज किया गया था। उस दिन मैं थोड़ा सा बिजी था, खेत में गया हुआ था, आपने हमारा खेत का वीडियो देखा भी होगा, तो उस दिन तो मैं इसे देख नहीं पाया था। फिर दूसरे दिन 2 अगस्त को मैंने इसके पहले एपिसोड को देखा, पर उस दिन थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो बना नहीं पाया था। तो आज 3 अगस्त को रात को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका जो पहला एपिसोड है इसे इंग्लिश के साथ में ही हिंदी और तेलुगु इन दो भाषाओं में भी रिलीज़ किया गया है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो 14 मिनट और 28 सेकंड का है, हिंदी 17 मिनट और 29 सेकंड का है और तेलुगु 13 मिनट और 44 सेकंड का है। कंटेंट बिल्कुल सेम है, डायलॉग्स भी बिल्कुल एक जैसे ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कंटेंट एक जैसा है, डायलॉग्स भी एक जैसे हैं, तो फिर ये लेंथ ड्यूरेशन कम ज़्यादा क्यों है? तो देखिए, इसे एक एनिमेटेड वेब नरेटिव कहा गया है, यानी इसके जो पात्र है, कैरेक्टर्स है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, पर उनके जीवन की कई सारी अलग अलग घटनाओं को दिखाने वाली जो इमेजेस है उन्हें हमें स्क्रीन पर दिखाया गया है और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर के माध्यम से हमें ये कहानी, इस कहानी को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने चयन किया है उस कारण से ये लेंथ हमें कम ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी कंटेंट बिल्कुल एक जैसा ही है। हालांकि मैंने भी जब पिछले हफ्ते इस सीरीज़ के बारे में सुना था, जब इसे अनाउंस किया गया था, तो उस समय मुझे भी लगा था कि शायद जो ऐसे की एनिमेटेड फिल्म्स होती है उस प्रकार से ही एक एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, उनमें कोई मूवमेंट होगी, पर वैसा नहीं है। उन्होंने वॉइस ओवर के माध्यम से इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहानी की बात करें तो कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, एक है तेनाली रामकृष्ण जिसे तेनाली आर के कहा गया है और उसी पर इस सीरीज का नाम भी आधारित है। तो ये जो तेनाली रामकृष्ण है उसकी बुद्धि और भाग्य बचपन से ही कमजोर रहे हैं, इस कारण से सभी उसे चिढ़ाते रहते थे। दूसरी तरफ है एक बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी प्रत्यंगिरा टेक्सटाइल के ओनर विक्रम रॉय और उनकी पत्नी, उनकी कृष्ण भक्त पत्नी राधा रॉय, इनके बेटे कृष्णदेव रॉय। अब ये जो कृष्णदेव रॉय का कैरेक्टर है वो आर्ट से, कला से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, विशेषतः भारतीय स्वदेशी कला से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और जो प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर है उनके प्रति उसके मन में अघात प्रेम है और इसी कारण से हमारी जो ऐसी हजारों हजारों विभिन्न अमूल्य मौल्यवान ऐसी प्राचीन भारत की जो धरोहर है उनको संजोने के लिए वो अपने प्रत्यंगिरा ग्रुप के अंडर प्रत्यंगिरा आर्ट गैलरी की शुरुआत करता है। तो समाज के इस ऐसे बिल्कुल ही दो भिन्न वर्गों से आने वाले दो पात्रों की ये कहानी है। अब उनके जीवन में आगे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि भाग्य उन दोनों को ही एक दूसरे से मिलाता है। अब उनके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटित होती है, उनका जीवन कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको ये पहला एपिसोड देखना पड़ेगा। हालांकि अभी केवल उन्होंने पहला ही एपिसोड रिलीज़ किया है, इसके अलावा और 9 एपिसोड्स आने वाले हैं। हर एक एपिसोड 10-10 दिन के गैप में वो रिलीज़ करने वाले हैं, यानी 1 अगस्त को उन्होंने पहला एपिसोड रिलीज़ किया है तो अगला एपिसोड अभी 11 अगस्त को आएगा। और इस बात ने मुझे बहुत बहुत निराश किया। आप सभी जानते हैं मैंने आपको कई बार ये बात बताई हुई है कि इस प्रकार से एक एक एपिसोड के लिए वेट करना, कि आज एक एपिसोड देख लिया फिर अगले एपिसोड के लिए कई दिनों तक वेट करो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भाई मुझसे नहीं हो पाता इतना वेट करना, पर अभी दूसरा कोई पर्याय नहीं है, एक एक एपिसोड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मैं हो सके तो देखूंगा सारे एपिसोड्स एक साथ में रिलीज़ हो जाएंगे तभी फिर बाद में 10 एपिसोड के बाद में इसका रिव्यू करूंगा, देखते हैं कैसे होता है। पर ओवरऑल मुझे इस कहानी का कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा, इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये कहानी। इतिहास की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के महाराजा कृष्णदेव राय जी और उनके जो अष्टदिग्गज कवियों में से एक है, उनके विशेष सलाहकार महान विद्वान तेनाली रामकृष्ण, इन दोनों के इतिहास से इस कहानी के ये दोनों पात्र प्रेरित हैं। उनके इतिहास को आधुनिक रूप में उन्होंने इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तेनाली रामकृष्ण जी का इतिहास भी अगर हम पढ़े तो वे भी किशोरावस्था में इसी प्रकार से दर दर भटकते थे। तब जाकर उन्हें एक संत मिले और उन संत ने तेनाली रामकृष्ण को माँ काली की उपासना करने के लिए कहा था और उसके बाद तेनाली रामकृष्ण जी ने माँ काली की उपासना की, साधना की, तपस्या की, उसके बाद में माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनके सामने 2 कटोरी रखी थी, एक कटोरी में था दूध और दूसरे में था दही। माँ काली ने कहा कि दूध तुम्हें बुद्धिमत्ता देगा और दही तुम्हें धन देगा, तो इनमें से कोई एक कटोरी चुन लो। पर तेनाली रामकृष्ण जी ने दोनों ही कटोरी ले और इस कारण से वे महान विद्वान और बहुत ही अधिक धनवान हो गए थे। इस सीरीज की भी कहानी अगर आप देखेंगे तो महाराजा कृष्णदेव राय जी और तेनाली रामकृष्ण इन दोनों के इतिहास से ही इस सीरीज की कहानी प्रेरित है। जैसे कि देखिए, सीरीज में तेनाली रामकृष्ण साधना करने के बाद, तपस्या करने के बाद जब उसे भूख लगती है तो वहां पर गौवे चराते हुए एक स्त्री आती है
और वो स्त्री तेनाली रामकृष्ण को वहां पर उसके सामने दो बर्तन रखती है, एक में दही होता है और दूसरे में दूध। तो तेनाली आर के वहां पर कहता है कि मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहां पर वो जो स्त्री है वो उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है पर ये दोनों ही चीज़ें तुम्हें एक साथ में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तेनाली आर के बड़े ही आश्चर्य के साथ उस स्त्री से पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। तो वो स्त्री वहाँ पर मुस्कुराते हुए उससे कहती, उसे आगे की यात्रा के लिए पर्वत पर जो फल आदि है उसे खाने की वो सलाह देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि माँ काली ही उस स्त्री का रूप लेकर वहां पर तेनाली आरके को दूध और दही देने के लिए आई थी, जैसा कि हम तेनाली रामकृष्ण जी के इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ कृष्ण देवराय का पात्र अगर हम देखें इस सीरीज का, तो वो कला से, आर्ट से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। भारत की प्राचीन अमूल्य धरोहरों से उसके मन उसके उनके प्राचीन अमूल्य धरोहरों के प्रति उसके मन में बहुत ज्यादा अगाध प्रेम है। तो महाराजा कृष्ण देवराय जी जो थे वे भी कला प्रेमी थे। उनके राज्य के जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, जो कवि आदि है, उनका वे बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और इसी कारण से उनके दरबार में अष्टदिग्गज कवि भी थे। और इसके साथ में ही जो हमारे मंदिर है, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनकी भी महाराजा कृष्णदेवराय जी रक्षा करते थे। तो उनसे ही इस सीरीज़ के कृष्णदेवराय का पात्र प्रेरित है, ये हम कह सकते हैं। और देखिए, ओवरऑल मुझे ये पूरा कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे इतिहास को आधुनिक रूप में सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं हृदय से चाहता हूँ कि इस अभी यहाँ पर उन्होंने केवल वॉइस ओवर के माध्यम से इस कहानी को हमारे सामने रखा है, पर मैं चाहूँगा कि आगे जाकर एक बहुत अच्छे बजट के साथ में एक पूरी एनिमेटेड सीरीज़ या लाइव एक्शन फिल्म इस कंसेप्ट पर बन सकती है। पर दुख की बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ऐसे फिल्म मेकर्स को फंडिंग नहीं मिलती है। कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी प्रोडक्शन हाउस ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, ऐसी कहानियों पर पैसे लगाने के लिए सामने नहीं आता है। ऐसे कहानियों को, ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में ऐसी कहानियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हजारों हजारों लेखक हैं जिनके पास में लाखों लाखों कहानियां हैं इस प्रकार से लिखी हुई, पर कोई भी पब्लिकेशन हाउस सामने नहीं आता उनकी कहानियों को पब्लिश करने के लिए। मैं पर्सनली ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, कहानियाँ लिखी हुई है, पर पब्लिकेशन हाउस सामने नहीं आते, वो उन्हें पब्लिश नहीं करते, क्योंकि वो कंटेंट उन्हें कम्युनल लगता है, सांप्रदायिक लगता है, या उनके विचारधारा के अनुरूप वो कंटेंट उन्हें नहीं लगता है। इस कारण से ऐसी हजारों हजारों लेखक हैं, उनकी लाखों लाखों कहानियां हैं, उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, उन्हें सामने नहीं लाया जाता। कई सारे ऐसे फिल्म मेकर से उनके प्रोजेक्ट्स को, कहानियों को पैसे लगाने के लिए कोई भी प्रोडक्शन हाउस सामने नहीं आता है, क्योंकि इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि ये जो कला और साहित्य का क्षेत्र है, आर्ट एंड लिटरेचर का ये जो क्षेत्र है, उस पर लेफ्ट के इकोसिस्टम का पूरी तरीके से वर्चस्व है। वो दूसरे किसी विचारधारा को, दूसरी किसी आइडियोलॉजी को एग्जिस्ट ही नहीं करने देना चाहते, वो टॉलरेट ही नहीं करते हैं। अगर कोई इक्का दुक्का भी ऐसी कोई फिल्म या कहानी या साहित्य ऐसा कोई आ जाता है तो उसको या तो वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, या फिर उस कलाकार के, उस साहित्यकार के, उस फिल्म मेकर के आत्मसम्मान को इस प्रकार से पैरों तले रौंदा जाता है कि दोबारा कोई उस प्रकार का कंटेंट बनाने की हिम्मत ही नहीं करता। पर इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ, अगर आप कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते हैं, अगर आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, और आपके पास में अगर ऐसी कहानियां हैं जिनमें नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाया गया है, आतंकवाद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है, आतंकवादियों के प्रति सिंपथी पैदा करने का प्रयास किया गया है, भारतीय सेना को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वे में दिखाया गया है, या फिर भारत को टॉक्सिक पेट्रियार्कल जिसमें दिखाया गया हो, या फिर भारत को जितना हो सके जात पात में बांटने का प्रयास किया गया हो, ऐसी कहानियाँ अगर किसी के पास में हो तो भाई उन ऐसे लेखकों को, ऐसे फिल्म मेकर्स को रातों रात उठा लिया जाता है, तुरंत वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। भारत का मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वगैरह उनको कह दिया जाता है, उनके फिल्मों को बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में, कई सारे बड़े बड़े पुरस्कार समारोह में उनकी फिल्मों पर, ऐसे साहित्य पर पुरस्कारों की वर्षा होती है। उनके सपोर्ट में कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह बैठे हुए हैं मीडिया में या फिर यूट्यूब पर, वो ऐसे फिल्मों के, ऐसे साहित्य के प्रशंसा में बड़े बड़े लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इवन जो खुद लेफ्ट की विचारधारा से बिलोंग करते हैं वो भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि कला और साहित्य के क्षेत्र पर लेफ्ट के इकोसिस्टम का ही पूरी तरीके से वर्चस्व है। चलिए, अब हम कर भी क्या सकते हैं, दुखद है पर यही सच्चाई है। अब इस सीरीज़ को देखने के बाद, ये पहला एपिसोड देखने के बाद, मैं स्ट्रिंग और उनकी जो टीम है उनको कुछ
मेरी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसका जब हिंदी वर्जन देखा, सबसे पहले मैंने इंग्लिश में इसे देखा, उसके बाद हिंदी वर्जन देखा, तो हिंदी में उन्होंने कई सारे अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का उपयोग किया है जो मुझे सही नहीं लगा। जैसे कि देखिए, इम्तिहान जो शब्द था उसकी जगह बड़ी ही आसानी से परीक्षा शब्द का उपयोग किया जा सकता था, या फिर माउंटेन्स एंड वाइव्स ऐसे जो शब्द थे हिंदी वर्जन में उसकी जगह पर पर्वत और उनकी आभा, उनका वातावरण, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा सकता था, या फिर इट बिकेम नेचुरल, ये भी हम सुनते हैं हिंदी वर्जन में, उसकी जगह पर वो बिल्कुल स्वाभाविक हो गया, इस ये शब्द प्रयोग किया जा सकता था। इसके अलावा एक जगह पर बेइज्जत महसूस किया, ये हम सुनते हैं, उसकी जगह पर उसने अपमानित अनुभव किया, ये ज़्यादा उचित रहता। और हिंदी सुनने में भी बहुत प्यारी लगती है, और जो शुद्ध हिंदी है उसमें कई सारे संस्कृत शब्दों का भी उपयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले जो एपिसोड्स आएंगे उनमें जो हिंदी डबिंग होगी उसमें हम अधिक से अधिक शुद्ध हिंदी का प्रयोग अगर देखने को मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो थोड़ा सा बदलाव में जो एपिसोड वन में देखना चाह रहा था वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, सीरीज में अभी दिखाया गया है कि तेनाली आर के उसका सर जब माँ काली के श्रीचरणों में जाकर लगता है, उसके बाद में उसे समाधि लग जाती है, उसे ध्यान लग जाता है। अब देखिए, ये आपके हमारे दृष्टि से बिल्कुल सही लगता है, अगर भक्तियोग के मार्ग पर चलने वाला कोई भक्त इसे देखेगा तो वो भाव विभोर हो जाएगा। पर देखिए, आज हम ये जो कंटेंट बना रहे हैं वो हमारी नई जनरेशन के लिए हम ये बना रहे हैं जो हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, पर हाँ, ये सच्चाई कि वो दूर जा चुकी है। और हमारे संस्कृति में ऐसा बहुत सारा सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है जो हम हमारी नई जनरेशन को पूरी तरीके से, वो जिसे लॉजिकल समझते हैं उस लॉजिकल वे में दिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मूल तेनाली रामकृष्ण जी की भी जो कहानी है, वहाँ पर उन्हें एक संत मिलते हैं और वे फिर उन्हें उपासना, आराधना, तपस्या करने का मार्ग बताते हैं। उसके बाद तेनाली रामकृष्ण बुद्धिमान, उनके मतलब तेजस्वी हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिखाया जा सकता था कि तेनाली आर के जब पूरी तरीके से उद्विग्न होकर, संसार से परेशान होकर, एक नैराश्य, एक वैराग्य की भावना उनके अंदर जग जाती है, और इस प्रकार से उद्विग्न मन से वो पर्वत पर जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कोई ब्रह्मज्ञानी संत मिल जाते हैं, और वो ब्रह्मज्ञानी संत फिर तेनाली आरके को एक साधना का मार्ग बताते हैं, उपासना का मार्ग बताते हैं, योग और प्राणायाम के बारे में बताते हैं, और उनके उन ब्रह्मज्ञानी संत के उपदेश के अनुसार तेनाली आरके ऊपर मंदिर में जाकर कुछ दिनों तक वहाँ पर तपस्या करता है, साधना करता है, योग करता है, प्राणायाम करता है। प्राणायाम के द्वारा वो अपनी प्राणापान की गति को सम करता है, प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके चक्र जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरूक हो जाती है, और कुंडलिनी जागरूक होने के बाद में उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो तेजस्वी हो जाता है। ये अगर इस प्रकार से दिखाया जाता, अब देखिए मैंने काफी लंबा चौड़ा ये बताया, पर इस बात को दो तीन वाक्यों में भी दिखाया जा सकता था, और ये इस प्रकार से अगर दिखाया जाता तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता। और ये देखिए, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, इस मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलकर इन बातों को हम खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। प्राणायाम, प्राणोपान की गति को सम करना, प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करना, अलग अलग चक्र जो हमारे शरीर में हैं, अलग अलग चक्रों पर ध्यान करने के बाद में हमारे विचारों में कैसा परिवर्तन आता है, ये सब बातें हम खुद अनुभव कर सकते हैं, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो ये अगर इस प्रकार से दिखाया जाता तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती। और देखिए, आज मैं कई सारे जो जापानीज एनिमे वगैरह देखता हूँ उसमें वे हमारे इस प्राणायाम का, कुंडलिनी योग का, सात चक्रों के बारे में जापानीज एनिमे में हम देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने डेमन स्लेयर एक एनिमे देखी, उसमें प्राणायाम को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है कि श्वासोच्छ्वास की गति को जब हम नियंत्रित करते हैं तो उससे कैसे शक्तियों का विकास होता है, इसको ही बेस उन्होंने शक्तियों का बताया है पूरी तरीके से, हमारी प्राणों, प्राणापान की गति को, प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करने को, और बिल्कुल सत्य है। तो ये और सात चक्रों के बारे में भी नरूटो एनिमे में दिखाया गया है, हालांकि मैंने नरूटो अभी देखी नहीं है पर कई सारे मित्रों ने मुझे बताया है। तो जापानीज एनिमे में भी वो इस प्रकार से शक्तियों के विकास के लिए कुंडलिनी, सात चक्र और प्राणायाम आदि, श्वासोच्छ्वास की गति पर नियंत्रण करना, ये सारी बातें वे वहाँ पर दिखाते हैं। तो हमें भी इस ऐसे कंटेंट के माध्यम से इन बातों से नई जनरेशन को अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो जिसे हम हमारे भारत और भारतीय संस्कृति की आत्मा कह सकते हैं, भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, और गुरु शिष्य परंपरा के बगैर हम हमारी संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु शिष्य परंपरा के कारण ही हमारे संस्कृति का आज अस्तित्व है,
मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि पृथ्वी पर अगर एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत और उनका एक सच्चा सतशिष्य भी हो ना, और बाकी सारी दुनिया अपने संस्कृति से टूट जाए, पर एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत और उनका एक सच्चा सतशिष्य हो, तो भी वे अपनी संस्कृति का फिर से पुनरुत्थान कर सकते हैं। ऐसी हमारे संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा की महिमा है। और इसी कारण से ईश्वर भी जब अवतार लेकर धरती पर आते हैं तो वे संतों की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु सेवा करते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसे भी तेनाली आर के किसी ब्रह्मज्ञानी संत से वहाँ पर मिले, फिर वहाँ पर वो उपासना उन्होंने की, साधना की, ये मैं अगर दिखाया जाता तो बहुत बढ़िया रहता, ऐसा मेरा कम से कम मानना है। बाकी ये कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद आया और मैं सच में हृदय से चाहता हूँ कि आगे जाकर एक बहुत अच्छे बजट के साथ में, केवल यही नहीं, मैं स्ट्रिंग और उनकी टीम की तरफ से ऐसा और भी बहुत सारा कंटेंट देखना चाहता हूँ, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में, अच्छे बजट के साथ में, चाहे वो एनिमेटेड सीरीज़ हो या फिर लाइव एक्शन फिल्म हो। मैं अपनी तरफ से स्ट्रिंग और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सीरीज़ को बनाने के लिए, और हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे और भी ऐसा ढेर सारा कंटेंट हम उनकी तरफ से आगे देख पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं इसको रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं पूरी सीरीज़ 10 के 10 एपिसोड्स देख लूँगा, उसके बाद मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करूँगा, रेटिंग उसी समय मैं बताऊँगा। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने पूरे परिवार के साथ में इसे देख सकते हैं। बाकी आप जिन्होंने ये एपिसोड, पहला एपिसोड देखा है, आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।